इस खबर के प्रायोजक हैं होटल लेक व्यू किशोर सागर तालाब के सामने छतरपुर। आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान यहां यह अपने किस्म का पहला मामला है जब सेंट्रल जेल के एक विचाराधीन बंदी ने एनडीपीएस एक्ट की स्पेशल कोर्ट से अनुमति लेकर सरपंच पद का चुनाव लड़ने की ठानी है। प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की तस्करी के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने सतना जिला के भरजुना करसरा निवासी 30 वर्षीय आरोपी शैलेश शुक्ला को 2 और साथियों के साथ पकड़ा था। सेंट्रल जेल के विचाराधीन बंदी शैलेश शुक्ला ने विशेष न्यायाधीश योगीराज पांडे की अदालत में आवेदन देकर पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। 31 मई को अनुमति मिलने के बाद सेंट्रल जेल में केंद्रीय कारागार अधीक्षक अखिलेश तोमर की मौजूदगी में शैलेश शुक्ला से भरजुना के सरपंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भरवाते हुए शपथ पत्र भी तस्दीक कराया गया। कुछ कागजी त्रुटियों की बदौलत 3 जून को शैलेश का नामांकन नहीं दाखिल हो सका, जिसे अब 4 जून को जमा किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 और ड्रग कंट्रोल एक्ट की धारा 5/21 के तहत आरोपी शैलेश शुक्ला पिछले साल के 3 जून से जेल में बतौर विचाराधीन कैदी बंद है। मामले की जनसुनवाई 11 जून को है। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस। वो 420 में उन्होंने ऐसा लोग फंसा दिए हैं उनको, जैसे बड़े लोगों को साथ कहता था, नवयुवक था, तो किसी ने उनको ऐसे फंसाया है, पकड़ा, हॉस्पिटल से गया है। वो दर्शाए कहाँ है, रेलवे फाटक में आए। और वो बहुत अच्छा लड़का है, नवयुवक लड़का था, उमंग था। उसको ये था कि मैं ऐसा काम करूंगा, तो उसको नीचे दाब दिए हैं बड़े लोग कि ये ऊपर ना उछल पाए, और ऐसा फंसा दिए हैं कि वो जेल में रहा है। ये आम पब्लिक पूरे गांव की इकट्ठा होकर यहां तक सोच रही है कि इस लड़के के लिए निर्विरोध पंचायत किया जाए, और गांव तो हमारा इकट्ठा होकर उसको अकेले ही चुनाव लड़ा रहा है। और तो वो तो जेल में है, फिर अनुमति कैसे मिली, कहाँ से मिली? जेल हमारा पूरा गांव इकट्ठा होकर अनुमति दिया कि इसको ऐसा करे कि जनप्रतिनिधि बनाओ जा, ताकि इसकी जमानत हो जाए और जेल से बाहर आके अपन जिंदगी खुशहाल से जिए। उसके शैलेश कुमार शुक्ला की ओर से आवेदन हमने लगाया था विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस सतना के यहाँ, और 31 मार्च को आवेदन लगाया था, और 31 मार्च को ही कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अनुमति दिया है कि ये एक प्रक्रिया में भाग ले सकता है, और वहाँ जा करके नोटरी एफिडेविट तस्दीक कराएँ और पेश करें, ऐसा आदेश कोर्ट ने किया है 31 मार्च 2022 को। और विशेष न्यायाधीश साहब छुट्टी में थे, तो उनके अब्सेंस में चार्ज में थे सिद्धार्थ तिवारी जी, उनके उन्होंने आदेश किया है। आगे अब क्या प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया कल हम गए थे वहाँ केंद्रीय जेल सतना, और वहाँ नोटरी भी साथ में गए थे, उसका जो एफिडेविट है और फार्म में साइन कराए गए हैं, एफिडेविट तस्दीक किया गया है, उसको अधीक्षक साहब ने वेरीफाई किया है। अब वो जमा होगा भरजुना खुर्द पंचायत में। तो आज वहाँ से दिक्कतें आ रही है कि जो एफिडेविट हुआ है उसकी 2 कॉपी अलग से लगती है, तो शपथ पत्र जो है अटेस्टेड तो था लेकिन उसमें अलग से साइन नहीं थे, वेरीफाई के साइन ओरिजिनल साइन चाहिए, उसके लिए आज जेल में फिर से भेजा गया है, और जेल में वो पर्चा जमा कर दिया गया है, वहाँ से वेरीफाई साइन करा कर भेजा जाएगा, तो कल जमा करेंगे जी। उसके पूर्व भाजपा का पदाधिकारी है, और उसे एक झूठे मामले में फंसाया गया है, जो घटना वास्तविक घटना में वो अपराधी नहीं है। उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना से 3 बजे गिरफ्तार किया गया है, और घटना बनाई गई 8 बजे रात में कि बरदा डी फाटक के पास पकड़ा गया, प्री प्लानिंग के तहत उसको पकड़ा गया है। भाजपा में क्या पदाधिकारी? भाजपा में जैसा हमको कुछ उन्होंने बताया था कि मंडल का वो उपाध्यक्ष था शायद, ऐसा बताया गया था, एग्जैक्ट मुझे जानकारी नहीं है। अपना गाँव तो पूरा उसके लिए तैयार है, क्योंकि वो लड़का जब तक यहाँ रहा तब तक यहाँ लोगों के साथ अच्छा सहयोग करता था, और समाज सेवी टाइप का था, हर जगह वो करता था, तो जो भी उसके साथ हुआ वो गलत हुआ है, जिसके लिए पूरा गांव इकट्ठा है, पूरे गांव उसको समर्थन करता है कि वो कैसे भी करके अपने बीच में आए और उससे उसकी बेगुनाही साबित हो। तो हम लोग सब, हमारा पूरा गाँव सब उसके साथ में।